तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं द हैंडमेड टेल सीजन 3 के 12 और 13 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस सीजन के आखिरी एपिसोड होगा। तो सेरेना और फ्रेड के साथ में कनाडा में क्या होगा, उनको आखिर कौन सी सजा मिलेगी, क्या जून गलियट के 52 बच्चों को गलियट से बाहर निकल पाएगी, क्या वहाँ की मेड्स और हैंडमेड्स हिम्मत करके जून का साथ दे पाएगी, यही सब हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जून से, जो कि गन में गोलियां भर रही थी। तभी जून को अपने रूम के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। जून गन लेकर खड़ी थी, पर वहां पर और कोई नहीं, मिस लॉरेंस थी। मिस लॉरेंस जून को गन रूम में ही छोड़कर बाहर आने को कहती है, क्योंकि बाहर कुछ लोग आए हुए थे। जून नीचे किचन में जाती है और तब कोलरेट जून को बताती है कि बिली उनका साथ देने के लिए राजी है, क्योंकि जवाब में बिली ने कपकेक्स भेजे थे और बोलता है कि प्लेन आज से एक हफ्ते के बाद में गलेट से निकलेगा। जून फिर चाय लेकर मिस लॉरेंस के स्टडी रूम में जाती है, जहां पर गलेट के कुछ अथॉरिटीज अमेरिका और कनाडा से खराब हो रही उनके रिश्ते के बारे में बातें करने आई थी। जून उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और उनके जाने के बाद में जून को मिस्टर लॉरेंस से पता चल जाता है कि सेरेना और फ्रेड को कनाडा में अरेस्ट कर लिया गया है और कमांडर की डेड बॉडी न मिलने पर गलेट की अथॉरिटीज ये सोच रही थी कि कमांडर को अमेरिका के किस सीक्रेट एजेंट ने किडनैप कर लिया है। बड़ी आसानी से जून इस मर्डर से बचकर निकली थी। अब उसी दिन जून मार्केट जाती है, जहां पर वो अपने प्लान के बारे में मोनी को बताती है। जून मोनी के बेटे को भी गलेट से बाहर निकलाने वाली थी और जून का प्लान था कि एक वीक के बाद में 52 बच्चों को मिस्टर लॉरेंस के घर पर रात को इकट्ठा किया जाएगा और वहां से वे सभी बिल्ली के प्लेन के लिए निकल जाएंगे। और नीना भी जून के साथ प्लान में शामिल थी। अब इस तरफ कनाडा में फ्रेड को एक रूम में बंद करके रखा गया था और तभी सेरेना को कुछ टाइम के लिए फ्रेड के पास में भेजा जाता है उससे बात करने के लिए। सेरेना फ्रेड को कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए मना करती है और फ्रेड को खुद से ज्यादा सेरेना की फिक्र हो रही थी। तभी सेरेना फ्रेड को उसे खुद की चिंता करने को कहती है, क्योंकि सेरेना तो ठीक रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि सेरेना ने ये सब बस फ्रेड को फंसाने के लिए किया था, ताकि फ्रेड को कनाडा की अथॉरिटीज के हवाले करके सेरेना निकोल के साथ में रह पाए। ये सब जानकर फ्रेड सेरेना पर बहुत गुस्सा होता है। सेरेना को तो पता नहीं, पर उसने ये भी कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत उसके साथ में ऐसा करेगी। फिर इस तरफ मिस्टर लॉरेंस के घर पर ओलिविया और सारा आई थी कमांडर की डेथ पर प्रार्थना करने के लिए। ओलिविया को भी यही लग रहा था कि उसके पति को किसी ने किडनैप कर लिया है और जून वहां पर मिस लॉरेंस को लेकर आती है। लेकिन इधर मिस लॉरेंस बातों ही बातों में 52 बच्चों को उनके साथ गलेट से निकलने वाली बात बताने वाली थी, लेकिन वह ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही थी, क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसीलिए मिस्टर लॉरेंस किसी तरह इस बात को संभाल लेते हैं, जिस वजह से सारा और ओलिविया को उन पर शक नहीं होता है। फिर कनाडा में सेरेना के रूम में मार्क उससे मिलने के लिए आता है और सेरेना को फ्रेड के लिए बुरा तो लग रहा था, पर उसे कई ज्यादा खुशी निकोल से मिलने की हो रही थी। मार्क वहां पर सोशल सर्विस में काम करने वाली एक औरत को लेकर आता है और साथ ही मोरिया भी निकोल के साथ में वहां पर आती है। निकोल को देखकर सेरेना को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है और सेरेना को पहली बार ये पता चलता है कि मोरिया जून की फ्रेंड है। मोरिया सेरेना के हाथ में निकोल को नहीं देना चाहती थी और साथ ही मोरिया सेरेना को याद दिलाती है कि सेरेना ने भले ही यहाँ पर कपड़ों का स्टाइल बदल लिया है, पर वो अभी भी अंदर से वैसी ही है और उसका हस्बैंड अभी भी एक रेपिस्ट है। सेरेना बेबी को पाने के लिए बस ये सब कुछ चुपचाप देखती रहती है और मार्क के कहने पर मोरिया को कुछ देर बाहर रुकना पड़ता है। मोरिया के बाहर जाते ही सेरेना निकोल को अपनी गोद में ले लेती है और इतने दिनों के बाद में निकोल सेरेना को बिल्कुल भी पहचान नहीं रही थी और वो अनजान की तरह बिहेव कर रही थी। सोशल सर्विस की एम्प्लॉई सेरेना को निकोल के सामने मॉम वर्ड का इस्तेमाल करने से मना करती है, क्योंकि इस तरह निकोल और ज्यादा कंफ्यूज होगी। अब यहाँ पर जून को मिस्टर लॉरेंस से पता चलता है कि गलेट की अथॉरिटीज ने बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला ले लिया है और इस तरह तो जून का प्लान पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसी टाइम मिस लॉरेंस की दिमागी हालत बिगड़ जाती है और बाहर दूसरों के बच्चे के पास जाने की जिद करने लगती है। जून को रोकने पर भी वो नहीं रुक रही थी, तो उनको धमकी देकर जून को रोकना पड़ता है और तब जाकर मिस लॉरेंस शांत होती है। मिस लॉरेंस को समझाते हैं कि वो उनको इस जगह से बाहर निकाल कर रहेंगे और मिस लॉरेंस ये सुनकर अपने रूम में चली जाती है। फिर इस तरफ कनाडा में जॉन फ्रेड से मिलना आता है और जॉन और फ्रेड की लाइफ बचपन से सेम थी, लेकिन जॉन के मुताबिक फ्रेड एक रेपिस्ट था और वो बेकसूरों की जान भी लेता था। फ्रेड के मुताबिक वो जान लेता नहीं बल्कि जान बचाता है।
क्योंकि उसका देश पहले ऐसे खतरे में है जहाँ पर फ्यूचर आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर के जनरेशन की ही कमी है। उसी फ्यूचर जनरेशन को फ्रेड बचा रहा है ताकि उसके देश का नामो निशान न मिट जाए। जॉन फ्रेड को कहता है कि फ्रेड के कर्मों की सजा तो उसकी वाइफ ने उसे यहाँ पर फंसा कर दी है। और तब फ्रेड जॉन को ताना मारता है कि जून भी अब पहले जैसी उसकी वाइफ नहीं रही। गलियट और उसने जून को चेंज कर दिया है और इसे सुनने के बाद में जॉन गुस्से में फ्रेड को पीटने लगता है और इसी दौरान मार्क को उनके बीच आकर उनको रोकना पड़ता है। इधर मिस्टर लॉरेंस के घर पर रात को जून मिस लॉरेंस के लिए खाना लेकर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मिस लॉरेंस मेडिसिन के ओवरडोज की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। और यहाँ पर जून मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचकर नहीं बुला पाती है। यहाँ पर जून ये सोच रही थी कि अगर मिस लॉरेंस को बचा भी लिया जाए तो किसी भी तरह उनके प्लान को खराब कर सकती है और बच्चों को यहाँ से निकालने के लिए उनको मारने ठीक रहेगा। जून खाना भारी रखकर रूम का डोर लॉक करके वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर सो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब अगले सुबह घर के लोगों को मिस लॉरेंस की लाश मिल जाती है और सबको पता चल जाता है कि मिस लॉरेंस मारी गई है। फिर कुछ समय के बाद सभी लोग मिस लॉरेंस के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे और मिस्टर लॉरेंस ने ये कभी भी सोचा नहीं था कि कल शाम को मिस लॉरेंस से उनकी बात आखिरी बात होगी। मिस्टर लॉरेंस जून को बताते हैं कि उन्होंने अथॉरिटीज से बात करके बॉर्डर ओपन करवा दी है पर वो उनकी वाइफ को गलियट से बाहर नहीं निकाल पाए। मिस लॉरेंस की मौत का जिम्मेदार मिस्टर लॉरेंस खुद को मान रहे थे क्योंकि उन्होंने ही मिस लॉरेंस को अकेला रूम के अंदर भेजा था। अब यहाँ पर जून के बिहेवियर से हम जान पाते हैं कि उसने जो मिस लॉरेंस के साथ में किया उसका उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शाम को गलियट के सभी लोगों की मौजूदगी में मिस लॉरेंस को दफनाया जाता है और मिस लॉरेंस को जो एक बेबी की उम्मीद थी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाई और ना ही वो गलियट से बाहर निकल पाई। मिस्टर लॉरेंस अब पूरे अकेले पड़ चुके थे और इसी के साथ में इस सीजन का एपिसोड 12 खत्म होता है। यहाँ से एपिसोड 13 की शुरुआत होती है जहाँ पर जून अपने पास्ट के टाइम को याद कर रही थी। नए लॉ के आते ही जून और बहुत सारे वुमन्स को एक फैक्ट्री जैसी जगह पर एनिमल्स की तरह कैद करके रखा गया था और फिर उनका मेडिकल करके उनको ट्रक में दूसरी जगह पर भेज दिया गया था। हम ये भी जान पाते हैं कि वहाँ से वे सभी वुमन्स को हैंडमेड बनने के लिए ले जाया जा रहा था। और अगेन प्रेजेंट टाइम में जून का कोई भी वॉकिंग पार्टनर नहीं था जिसके साथ में वो मार्केट जाया करती थी। जून जब भी बाहर जाती थी तो एक आर्मी उसके साथ में रहता था और इतने खतरे के बाद भी मुनी जून के बैग में एक पैकेट डालकर चली जाती है। जून का प्लान जोरों शोरों पर चल रहा था और जो भी हैंडमेड्स जून के साथ थी वो सभी जून के बैग में चुपके से कुछ कुछ डालकर जा रही थी। रास्ते में जून को एरिका मिलती है जो कि जून को वार्न करती है कि जून आजकल सभी हैंडमेड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जून कभी भी कुछ गलत कदम न उठाए या फिर कोई रूल न तोड़े नहीं तो उसके या उसके दोस्तों के लिए खतरा बन सकता है। जून एरिका को जरा सा भी शक नहीं होने देती है कि वो आगे किस प्लान से जुड़ी है। जून घर आकर हेलमेट के दिए हुए पैकेट्स को निकालती है जिसमें वैक्स था और उसको वो पिघलाने लगती है। उस वैक्स को पिघलाकर जून गेट पर लगाती है ताकि गेट के खुलने पर कुछ आवाज़ ना हो। और लॉरेंस के घर की नई मेड शायशा भी अब उनके प्लान में शामिल थी। सभी बच्चों के लिए वे लोग अच्छे से फूड और बाकी सामान को रेडी कर रहे थे और उसी टाइम उनके घर पर एक मेड एक बच्चे को लेकर आती है। लेकिन बच्चों को लेकर आने का टाइम देर रात का था पर वो मेड बच्चे को दोपहर को ही लेकर आ गई थी। उस बच्ची को चोट लगी थी तो जून उसकी पट्टियाँ करती है। उस बच्ची ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी तो जून उसे समझा देती है कि बाहर की दुनिया गलियट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और वहाँ पर वे लोग आज़ाद होंगे और वे अपनी मर्जी के मालिक भी होंगे। वे अगर ना चाहें तो उसे मदर या किसी और की वाइफ बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी उनको फोर्स नहीं करेगा और गॉड तब भी उनको उतना ही प्यार करेंगे। तभी उसी बच्ची की मेड मैगी डरकर अपना माइंड चेंज करती है और उस बच्ची को लाते टाइम उसने घर के मालिक को ड्रग देकर बेहोश कर दिया था और वहाँ से उस बच्ची के साथ में भाग गई थी। मैगी को लग रहा था कि उसकी मालकिन बहुत काइंड है और उसे माफ़ कर देगी लेकिन अगर प्लान के फ्लॉप होने पर वो पकड़ी गई तो उसे मार दिया जाएगा। कोल्डर के मुताबिक वो अगर वापस गई तब भी उसे मार दिया जाएगा। और फिर भी मैगी किसी की बात नहीं सुनती है और बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगती है। जून के पास में कोई और रास्ता नहीं था और वो इस तरह प्लान को बिगड़ने नहीं दे सकती थी। जून गन दिखाकर मैगी को रोकने की कोशिश करती है। अब कुछ देर में मिस्टर लॉरेंस से जून को ये पता लगता है कि उस बच्चों को अब आर्मी हर जगह ढूंढ रही है और इसलिए उसको वापस घर भेजना सही होगा नहीं तो उनका पूरा प्लान बिगड़ सकता है। पर जून उस बच्ची को गलियट से बाहर निकाले बिना नहीं रहेगी। वो नहीं चाहती थी कि वो बच्ची जब 14 साल की हो
तो उसकी शादी करा कर उसका रेप करके उसे बस बच्चे ही पैदा करवाया जाए। जून मिस्टर लॉरेंस को बस मैप लाने को कहती है और अब जून अपने हिसाब से काम करती है। मिस्टर लॉरेंस भी अब अपनी बात को जून से नहीं मनवा पाते थे और देखा जाए तो वो घर मिस्टर लॉरेंस का बस नाम का ही था। वहाँ की सभी चीज़ों पर जून का ही कंट्रोल चल रहा था। फिर इस तरह कनाडा में फ्रेड से पूछताछ की जा रही थी और फ्रेड यहाँ पर खुद बचने के लिए सेना को फंसा रहा था। फ्रेड के मुताबिक सेरेना ने भी गलेट में बहुत सारे क्राइम्स किए थे। भले ही सेरेना का गलेट में कोई पावर नहीं था लेकिन फिर भी सेरेना का क्राइम उसके क्राइम से कहीं ज्यादा बड़ा था। फ्रेड की बातों को सुनकर मार्क और कनाडा के कुछ अथॉरिटीज जून से निकोल को छीन कर ले जाते हैं। उनके मुताबिक सेरेना ने निक से जून का रेप करवाया था और इस हिसाब से निकोल सेरेना के पति से हुआ बच्चा नहीं था तो सेरेना का उस पर कोई भी हक भी नहीं बनता था। सेरेना उनको बताती है कि निक और जून अब एक दूसरे से प्यार करते हैं पर कनाडा की अथॉरिटीज के मुताबिक फिर भी ये एक रेप ही है जो कि सेरेना ने उससे करवाया था। अब गलियट में रात को मैप देखकर जून जंगल से प्लेन तक जाने का प्लान बनाती है क्योंकि इतने सारे बच्चों को गाड़ी पर रोड से ले जाना एक खतरा बन सकता था। फिर रात को एक एक करके मेड्स बच्चों को मिस्टर लॉरेंस के घर पर छुप छुप कर लाने लगती है। सभी मिलकर बच्चों का डर कम कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद जंगल के रास्ते में पेड़ों पर कपड़ा बांधकर मेड्स आगे बढ़ती है ताकि वे लोग रास्ता भूलकर एक एक जगह पर बार बार न घूमें। अब यहाँ पर घर आने के बाद में जून देखती है कि मिस्टर लॉरेंस सभी बच्चों को शांत करने के लिए उनको स्टोरी सुनाते हैं और तभी मोनी आकर जून को बताती है कि बच्चों को आर्मी चेकिंग करने आएंगे और पीछे के डोर से जून और मेड्स बच्चों को लेकर निकलने लगते हैं। जून मिस्टर लॉरेंस को भी अपने साथ चलने को कहती है लेकिन उनके मुताबिक उनकी वाइफ यहाँ से नहीं भाग पाई तो इसी वजह से वो भी अपनी पूरी जिंदगी गलेट में बिताना चाहते थे और इसीलिए जून उनको बाय बोलकर वहाँ से निकल आती है। बच्चों को लेकर वो सभी जंगल के रास्ते निकलने लगते हैं और आर्मी उनके आसपास ही उनको ढूंढ रही थी। वे लोग छुपते छुपते आगे बढ़ रहे थे और फाइनली वे सभी प्लेन के पास तक आ गए थे लेकिन प्लेन रास्ते के उस पार था और रास्ते में एक आर्मी की कार खड़ी थी और एक आर्मी तो जंगल तक जाने के दरवाजे को भी लॉक कर रहा था। तब जून मेट्स और बच्चों को आगे भेजकर खुद उन आर्मी का ध्यान भटकाने का प्लान बनाती है और नीना और हेना जून को अपने साथ चलने को कहते हैं पर जून उनकी बातें नहीं मानती और उनको आगे भेजकर खुद आर्मी का ध्यान भटकाने जाती है। लेकिन जून वहां पर अकेली नहीं थी। हेना नीना और बाकी की मेट्स और हैंडमेट्स भी जून की मदद करने के लिए आते हैं। सभी मिलकर आर्मी की कार पर पत्थर मारने लगते हैं और वो आर्मी जब इन सब में फंसे हुए थे तो उस टाइम नीना बच्चों को लेकर रास्ते के उस पार प्लेन तक पहुंचा देती है। अब इस तरफ कई मेट्स को आर्मी की गोली भी लग जाती है और बाकियों को बचाने के लिए जून खुद आर्मी के सामने आ जाती है और उनको अपने पीछे लगाकर जंगल की तरफ लेकर जाती है। एक आर्मी की गोली जून को लग जाती है और वो जून को और कुछ कर पाता उससे पहले जून उसे गोली मारकर जख्मी कर देता है। जून उसे गन दिखाकर धमकी देती है कि वो बाकी को फोन पर कहे कि इस तरफ कोई भी नहीं है। वो आर्मी वैसा ही करता है और फिर जून उसे गोली मारकर मार डालती है। जून जख्मी हो गई थी तो वो वहीं जंगल में ही लेट जाती है और तब तक प्लेन बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है और प्लेन को वहां से जाता हुआ देखकर जून बहुत ज्यादा खुश होती है और कुछ देर के बाद ही प्लेन कनाडा तक पहुंच जाता है और सारे बच्चे और कुछ मेट्स सही सलामत कनाडा तक पहुंच गए थे। कुछ बच्चों को तो वहां पर अपने पेरेंट भी मिल चुके थे और जॉन वहां पर जून का इंतजार कर रहा था लेकिन जून एलिजाबेथ को लिए बिना कभी भी वापस नहीं आएगी। ग्लेनोवा मोरिया जॉन वे सभी उन बच्चों को मेट्स को संभालने लगते हैं और वे उनकी मदद करने लगते हैं। अब अगली सुबह कुछ हैंडमेड्स जून की मदद करने आती है और जून अपने पास्ट के टाइम को याद करती है जहाँ पर वो अपनी बेटी और जून के साथ में खुश थी और प्रेजेंट टाइम में भी जून अपने इस कदम से बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर ठीक कर दिया था। हैंडमेड टेल के थर्ड सीजन की पूरी स्टोरी खत्म होती है और इस पूरे सीजन में हमने देखा कि जून ने ग्लेनोवा के साथ में अपने बेबी निकोल को गलियट से बाहर कनाडा भेज दिया था पर वो खुद बाहर नहीं गई थी क्योंकि उसे एलिजाबेथ को निकालना था लेकिन एलिजाबेथ की नई मॉम मिस मैकेंजी जून को एलिजाबेथ के पास भी नहीं आने देती थी और तब जून ने मैकेंजी की मेड रिटा और कुछ लोगों के साथ मिलकर एलिजाबेथ को वहां से निकालने का प्लान बनाया था लेकिन इस प्लान का पता लिंडसे को चलते ही उसने अथॉरिटीज को बता दिया था जिसके बाद में रिटा और बाकी के लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। लिंडसे के इस कदम की वजह से जून और बाकी के हैंडमेड्स लिंडसे को बुली करने लगे थे और लिंडसे की दिमागी हालत बिगड़ गई थी और उसके गलत कदम उठाते ही आर्मी की गोली से वो जख्मी हो गई थी
और इसीलिए उसे ऑपरेट करके बेबी को पैदा करना पड़ता है, जिसकी वजह से लिंजी मारी गई थी। सभी को बस बेबी की फिक्र थी, लिंजी की नहीं। लिंजी की मौत के बाद में जून ने डिसाइड किया था कि वो 52 बच्चों को गलियट से सही सलामत बाहर भेज कर रखेगी, और बच्चों को बाहर भेजने के लिए जून ने कई गलत कदम भी उठाए। पर जून ये नहीं चाहती थी कि किसी भी बच्चे का फ्यूचर उसका जैसा हो। फ्रेड और सेरेना को भी कनाडा की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, और यहाँ पर सेरेना ने जो किया शायद उसकी सजा अब सेरेना को कनाडा में ही मिलेगी। तो अब आगे ये देखना होगा कि जून और बाकी के हेडमेट को इस कदम के लिए गिलेट की अथॉरिटीज कौन सी सजा देगी, और सेरेना और फ्रेड क्या आज़ाद हो पाएंगे। ये सब हमें आगे के सीजन में पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं हेडमेट टेल के सीजन 1, 2 और 3 तीनों को कंप्लीट कर चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब सीरीज को यहीं पर ख़त्म करें। लेकिन हेडमेट टेल का सीजन 4 और सीजन 5 अभी बचा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको कमेंट नहीं आए तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मैं आपका नीचे कमेंट में इंतज़ार कर रहा हूँ, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।